नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, बहुत से युवा लड़के लड़की के साथ ऐसा होता है कि रिश्ता लगातार आ रहा है लेकिन रिश्ता पक्का होते होते ही कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ उससे जो रिश्ते आपके पास आ रहे हैं या जो रिश्ते दूर हो जा रहे हैं, वैसे रिश्ते या संबंध आपसे दूर नहीं होंगे। दोस्तों, अगर रिश्ते की बात करने के लिए बड़े लोग जा रहे हैं तो लड़का हो या लड़की, उसे पीले वस्त्र या नारंगी रंग का वस्त्र पहन लेना चाहिए। अगर पीले या नारंगी रंग का वस्त्र लड़का नहीं पहनना चाहता है तो वह पीले रंग का रुमाल भी रख सकता है पॉकेट में। और यदि पीले या नारंगी रंग का वस्त्र लड़की को सूट नहीं कर रहा है तो पीली या नारंगी रंग का वह पर्स भी साथ में ले सकती है। फिर जिस दिन भी आप लड़के के घर जाने वाले हो या लड़की आपके घर आने वाले हो, जो भी रहे, उस दिन सुबह उठकर आप सीताराम की पूजा कर लीजिएगा। और जब उनके आने का समय हो रहा हो या आप जब कोई रिश्ता पक्का करने जा रहे हो तो घर से निकलते टाइम में आप गुड़ खा कर जाइए और एक हरी इलायची अपने साथ में जरूर रखिएगा। आप चाहे तो उस हरी इलायची को भी खा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए उनके साथ, तो जो भी आपके घर आए हैं उनके बैठने की व्यवस्था ऐसे कीजिए कि उनका मुख, जब वह बैठे, उनका मुख घर के अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो। और यदि आप घर जा रहे हैं रिश्ता पक्का करने के लिए, यह देख लेना है कि आप ऐसे किस तरह बैठे कि आपका मुंह घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर ना रहे। और यदि आपके घर में कोई रिश्ता लेकर आया है तो आप उनके लिए कुछ पीली वस्तु जरूर खाने के लिए निकालिएगा, जैसे पीली मिठाई। तो दोस्तों, यह उपाय आप सही तरीके से जरूर कीजिएगा तो आपका रिश्ता 100% पक्का जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह उपाय अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। जय श्री कृष्णा।